आप हमें 36/36 मॉडल में रुपए के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले घनजीवामृत बनाना होगा। 36/36 मॉडल में रोपाई करने से पहले मिट्टी में गोबर डालना बहुत ही जरूरी है। पौधे को बोने से पहले प्लास्टिक कवर को सावधानी से निकाल लें। पौधे की अगल बगल की मिट्टी को ना हिलाएं, इससे पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है और पौधे मर भी सकते हैं। पौधा लगाने के बाद जड़ों को अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दें। इसके तुरंत बाद पौधे को पानी देना जरूरी है। ध्यान रहे, आम के पौधे इस प्लॉट के चारों कोने में लगाना होगा। अभी तो आपने आम का पौधा लगाया, जो हुआ नंबर 7। छठा किस्म का पौधा कौन सा है? छठे किस्म के पौधे में मैं लगा रहा हूं पपीता, अनार, नींबू, अमरूद, करी पत्ता, मुरंका, कोरंदा और सीताफल। ये 36/36 फीट के प्लॉट पर उभरे हुए ढेर हैं, जिन पर हम 7 किस्म के पौधे उगा सकते हैं। अच्छा, आपने 7वें और 6ठे किस्म के पौधे तो बता दिए, अब बताइए 5वां किस्म के पौधा कौन सा होगा? 5वें किस्म के पौधे में हम लगाएंगे मसूर की दाल और अरंडी। आप देखिए, हर 4.5 फीट की दूरी पर मसूर की दाल और अरंडी लगाया जा सकता है। मसूर की दाल और अरंडी के पौधे सब्जियां उगाने में मदद करते हैं और जमीन की उपज भी बढ़ती है। मसूर और अरंडी बोते समय 4.5 फीट की अंतर रखना अनिवार्य है। अच्छा भैया, अब पौधे का 4ठा किस्म कौन सा होगा? 4था किस्म है सब्जियों का। मैं 2 ढेरों पे सब्जियां लगा रहा हूं। पहले पर टमाटर और दूसरे पर गुआर और भिंडी। गुआर और भिंडी को संकरी नालियों में बोने के बाद उन्हें मिट्टी से ढक दें। ये है भिंडी का पौधा जो 15 दिनों में निकल आता है। गुआर के फल आने में 70 दिन तक लग जाएंगे। अगर आप बैंगन लगा रहे हो तो फूल आने के 10 दिन बाद बैंगन दिखने लगेगा। टमाटर के फूल खिलने के 15 दिन बाद पौधे पर टमाटर आ जाएंगे। ये है 1 महीने के मिर्च के पौधे। अभी सब्जियों के साथ आप पौधे या बीज की रोपाई कर सकते हैं। तो 36/36 फीट में 4थे किस्म के पौधे हुए टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी। अब क्या लगा रहे हैं भैया? ये हैं 3री किस्म के पौधे जो हैं हरी पत्तों वाली सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, धनिया इत्यादि। ये हुए हरी सब्जियों के बीज।
मेथी, अमलान, पालक और धनिया। बीज को गिराने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह मिला लें। ये रहा धनिया। और ये है मेथी। 1 महीने के पौधे हैं ये। ये है पालक के बीज। बीज गिराने के बाद मिट्टी को मिला लें और ऊपर से पानी छिड़क दें। पालक 1 महीने में बेचने या खाने लायक तैयार हो जाएंगे। ये याद रहे कि पालक को 1 महीने के अंदर ही तोड़ने से वो दोबारा जल्दी बढ़ जाता है। ये बीज हैं खट्टे पालक के सब्जी के। बीज गिराने के बाद मिट्टी को मिला दें और 1 महीने में ये पौधा भी आ जाएगा। अमलान के बीजों को रेत से मिलाकर गिराए जिससे वो अच्छी तरह पसर जाएंगे। ये भी 1 महीने के बीज खाने या तोड़ने लायक हो जाएंगे। दूसरे किस्म के पौधे हैं लताओं वाले, जिन्हें हम क्रीपर भी कहते हैं, जैसे कि लौकी, तुरई, करेला इत्यादि। इन पौधे के बीज डालते समय ये याद रहे कि एक फुट की अंतर जरूर रहे। ये तुरई के बीज हैं और ये करेले के। 1 महीने पर करेले का पौधा ऐसा दिखने लगेगा। और ये रहा तुरई का पौधा। बीजों के बीज एक फुट की अंतर रखने से पौधे को बढ़ने की जगह मिलती है। ये 1 महीने के खीरे के पौधे हैं। ये बीन्स है और ये उसके पौधे। छत्तीस बटा 36 मॉडल में पहले किस्म का पौधा है कांद, जैसे प्याज, गाजर, अदरक इत्यादि। रोपाई के लिए एक रेखा खींच लें। ये है गाजर के बीज। इसके पौधे आपको देखने में धनिया जैसे ही लगेंगे। ये लहसुन की कली है। एक कली काफी है पौधे उगाने के लिए। प्याज की रोपाई में एक एक करके पौधे बोइए और रोपाई से पहले बेड पर पानी फेर दें। आप हमें प्याज की रोपाई दिखा सकते हैं? जरूर। रोपाई से पहले पानी डाल दें, इससे प्याज के पौधे को चोट नहीं पहुंचेगी। 1 महीने बाद प्याज ऐसा दिखेगा। इस मॉडल में क्या लाभ है भैया, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इस मॉडल के कई लाभ हैं। किसानों को ताजी और हरी सब्जियां और फल का स्रोत मिलता है। एक प्लॉट एक परिवार को साल भर सब्जियां और फल प्रदान कर सकता है। खाने के अलावा ये सब्जियां बेची भी जा सकती हैं। सावधानियां तो कुछ हैं, ये इस प्रकार हैं। ये मॉडल अपनाने से पहले घनजीवामृत उपलब्ध होना चाहिए। इस मॉडल में जैविक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। 36x36 फीट के जगह में 7 प्रकार के पौधे उगाकर मेरे परिवार का स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ होता है। ज्यादा उपज हुई तो बेचकर आमदनी भी हो जाती है। 36x36 मॉडल पर हमें जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद।